तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार ने कहा है कि बहुत जल्द ओल्ड सिटी फाइल्स और करप्शन फाइल्स जारी की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कश्मीर फाइल्स के खिलाफ रिमार्क्स करते हुए अवामी मसाइल पर तवज्जो हटाने की कोशिश की। बंडी संजय कुमार ने कहा है कि कश्मीर फाइल्स के खिलाफ रिमार्क्स करने वाले चीफ मिनिस्टर का डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि केसीआर को कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए घंटों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गैर जरूरी बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मरकजी हुकूमत ने धान की खरीदी से कभी इनकार नहीं किया है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव धान की खरीदी के मसले पर मरकजी हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे, तेलंगाना के किसानों को धोखा देने की कोशिश की जा रही। रियासती हुकूमत के पास कोई जामع पॉलिसी नहीं है और मरकज को मुरीद इल्जाम ठहराया जा रहा। बीजेपी सदर ने तंज किया कि केसीआर के पास इमरान खान की इतनी भी अकल नहीं है। तेलंगाना के तीन पुलिस कमिश्नरेट्स हैदराबाद, साइबराबाद और रजाकुंडा के हदूद में ट्रैफिक चालानों की अदायगी के अमल में तेजी लाई जा रही है। यकम मार्च से 20 मार्च तक 1.2 करोड़ चालानात अदा किए गए, जिसके 112.98 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा करवाए गए। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हदूद में 63 लाख चालानात अदा किए गए, जिसके जरिए 49.06 करोड़ रुपए की आमदनी हुकूमत को हुई। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट हदूद में 38 लाख चालानात अदा किए गए, जिसके जरिए 45.08 करोड़ रुपए और रजाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के हदूद में 16 लाख चालानात अदा किए गए, जिसके जरिए 15.03 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा कराए गए। ये सहूलत 31 मार्च तक नाफिस रहेगी। 28-29 मार्च को मुल्कगीर बैंक हड़ताल, बैंक 4 दिन बंद रहेंगे। अगर आपके पास बैंक से मुतल्लिक कोई अहम काम है तो उसे जल्द मुकम्मल करें, क्योंकि मार्च के आखिरी हफ्ते में मुल्क भर के बैंक लगातार 4 दिन बंद रहेंगे। मुख्तलिफ एम्प्लॉइज यूनियंस मुल्कगीर हड़ताल कर रही हैं। मुल्क के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यह जानकारी दी। बैंक यूनियनों की हड़ताल की वजह से बैंकिंग खदमात मुतासर होने का खदशा है, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। बैंक यूनियनों ने 28 मार्च और 29 मार्च पीर और मंगल को मुल्कगीर हड़ताल की कॉल दी है। इससे पहले हफ्ते के आखिर में बैंक बंद रहेंगे, जिसकी वजह से लगातार 4 दिन बैंक बंद रहेंगे। निजकारी के खिलाफ मुल्कगीर हड़ताल जारी है। SBI ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का हवाला देते हुए कहा कि बैंक यूनियन की तरफ से 28 और 29 मार्च को 2 रोजा हड़ताल की कॉल दी गई है। मॉस्को की एक अदालत ने सोशल नेटवर्क मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक की असल कंपनी को कट्टर पसंद करार देते हुए रूस में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पाबंदी आयद करने का फैसला सुनाया। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के प्रोसिक्यूटर जनरल के प्रोग्राम ने अपने फैसले में कहा कि मुकदमा रूसियों को उनके हकूक की खिलाफवर्जी से बचाने के मकसद से था। तेलंगाना के सिकंदराबाद इलाके में एक स्क्रैप के गोदाम में खतरनाक आग लगने के वाके में 11 अफराद जिंदा जलकर हलाक हो गए। सिकंदराबाद के भुईगुड़ा में वाके गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से बुध की सुबह 3 बजे के करीब अचानक आग भड़क उठी, जिसमें 11 अफराद जिंदा जलकर हलाक हो गए। बताया गया है कि गोदाम में 12 अफराद सो रहे थे, उनमें से एक शख्स जिंदा बच निकलने में कामयाब हुआ, जबकि 11 जिंदा जल गए। पुलिस और फायर ब्रिगेड को आग बुझाने के लिए कई घंटों का वक्त लगा। 5 फायर ब्रिगेड्स की मदद से आग पर काबू पा लिया गया, जिसके बाद इस बात की इतला मिलते ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी अपने रंजो गम का इजहार किया है और इस जिमन में उन्होंने ट्वीट किया और 2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का भी ऐलान किया। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे।